हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां दें। त्योहारों के इस सीजन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केले से बना मालपुआ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। केले का मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए केला। एक केला ले लें, अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले लें, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी चीनी, 5-6 छोटी इलायची। छोटी इलायची में थोड़ी सी चीनी डालकर मिक्सी में बारीक पीस लें। चीनी को भी बारीक पीस लें। सभी ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लें या बारीक काट लें। पीसी हुई इलायची पाउडर, पीसी हुई चीनी, दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स को एक बड़े बर्तन में डाल लें। सूजी और गेहूं का आटा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इस रेसिपी के लिए पका हुआ ही बनाना लें। अगर बनाना ज़्यादा पका है तो कोई बात नहीं, पर कच्चा ना हो। पके हुए बनाना को छोटे छोटे पीसेस में काट लें। थोड़ा दूध डालकर मिक्सी में पेस्ट बना लें। सभी सामग्री में दूध डालकर गाढ़ा घोल बना लें। घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, नहीं तो आपके पुए अच्छे नहीं बनेंगे। घोल को अच्छी तरह से फेंट लें और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें। आधे घंटे बाद सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगा और आपका घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़े से दूध और डाल के घोल को थोड़ा पतला कर लें। घोल में मैंने आधा चम्मच वनीला एसेंस डाला है, आप चाहे तो डालें या स्किप कर दें। वनीला एसेंस डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म कर लें। गर्म तेल में करछी की सहायता से घोल को धीरे से डालें। अच्छी तरह से फूलने दें, फिर उसे पलट लें। जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो पुए फट जाएंगे और उसमें तेल चला जाएगा। इसी तरह से एक एक करके सारे पुओं को सुनहरा तल लें। पुओं को पेपर पर निकालें ताकि पुओ का अतिरिक्त तेल पेपर सोख ले। स्वादिष्ट केले के मालपुए तैयार हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।